हरियाणा के करनाल जिले से हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें एक महिला ने प्रेमी संग मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल युवक अपनी पत्नी के प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहा था, जो कि महिला को इतना नागवार गुजरा कि उसने प्रेमी संग मिलकर पति की तेज धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने शव को नहर किनारे से कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी युवक को भी काबू कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान जलाला वीरान गांव निवासी 35 वर्षीय बिट्टू के रूप में हुई है। ग्रामीणों की माने तो महिला की उसके पति के रिश्तेदार से ही लंबे समय से अवैध संबंध चल रहे थे। बिट्टू के कई बार रोकने पर भी महिला ने उसकी एक नहीं सुनी और अंततः उसकी जान ले ली। आज तक ऐसी घटना नहीं हुई हमने जिंदगी में। आज मैं 55 साल का हो गया, लेकिन पहली बार ऐसा सुना। ये नजायज संबंध की वजह से घर उजड़ गया। ऐसे आदमी को हाँ जी इनको फांसी होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आगे के आने वाले बच्चों को भी पता लग गया है। बिट्टू की पत्नी के साथ था ये सोनू लड़का, ये अपना कांगड़े जिले का रहने वाला था। अब फरार था जी, रात ही अरेस्ट कर लिया जी पुलिस ने। हाँ रात को हम तो ये कहते हैं इनको फांसी होनी चाहिए। ऐसी साजिश रची। हाँ जी ये बहुत माड़ा कांड होया जी। पत्नी और ये रवि है। हाँ इनके साथ और भी कोई हो सकता है? हो सकता है जी, उसकी भी पुलिस इंक्वायरी करेगी। जब पता चलेगा वो भी होगा तो वो भी उसको भी फांसी होनी चाहिए। क्या कहेंगे, मामला बड़ा संगीन निकला। हाँ जी जितने आरोपी है उनको सजा ही होनी चाहिए। बाकी निस्संग पुलिस कोऑपरेट बहुत अच्छा कर रही है। पकड़े आरोपियों को जिन्होंने मारा, हाँ आरोपी को पकड़ेगी और उनको सजा दिलाए। हमारी तो यही मांग है पुलिस प्रशासन से। छोटे छोटे दो बच्चे हैं, उनकी जिंदगी खराब। क्या मांग करते हैं? हम तो यही मांग। क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल है जी, मैं इनके गांव का सरपंच हूँ। 3 बजे तो डेड बॉडी मतलब गाड़ी के अंदर गिर ली थी। कहाँ से मिली इसकी डेड बॉडी? बालू के पास नहर पे, नहर के किनारे। हाँ जी क्या लग रहा था गले पे? गले पे जी गंडासी, पता नहीं कड़पा की गंडासी मार रखी थी, सिर में भी मार रखी थी जी। तो हत्या की है उसने? हाँ जी। कौन है जो रहता था, क्या नाम है इसका? रवि। और रवि कहाँ है? आपके पास कितने दिन से रहा था बिट्टू के साथ? ये जी बचपन ही तो इतना ही बड़ा था सर भाई। अच्छा, मेरी माँ के लो रहा करा था। कितनी उम्र है उसकी जी? ओ उसकी उम्र उसकी बराबरी सी है, साल का छोट बुटाई सी है। हमको ये बात सामने आ रही है कि घर वाले इसके बिट्टू घर वाले के साथ संबंध उसके? मैं कुछ नहीं कह सकता जी इस बारे में, पता ये लग रहा है। मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा हाँ, तो इसमें साजिश हो सकती है? जब तक आंखों देखी मैं नहीं कह सकता। इसमें बिट्टू घरवाली की साजिश हो सकती है? ऐसा देखो जी, जिसकी साजिश होगी है जी कार्रवाई होनी चाहिए ना। हाँ कार्रवाई होनी चाहिए उस पर भी, रवि के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी अगर इसने मारा है। हाँ जी अगर वो सम्मिलित है या और मारे को मतलब इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। हाँ जी जो जो इसमें शामिल है हाँ पकड़े जाने चाहिए। हाँ जी तो आज डेड बॉडी रात को मिली थी इसकी? हाँ जी मारे को डेड बॉडी मिली थी 11:30 बजे के लगभग रात। अच्छा तो उसके बाद वो फरार है? उसके बाद ये 2 बजे फरार हो गया था। जिस टाइम मतलब फोन नंबर लिखने लग गया, फोन नंबर तो उसने लिखवा दिया, पता अपना लिखा किसने। अच्छा अंग्रेजी में बोल रहा था वो। अच्छा। उनते जी है जी और न्यू काम मन लग गया था। अच्छा। कि भाई गुंठे भी चेक होंगे, न्यू करके काम मन लग गया हो। उन्होंने दाब दी कि भाई गुंठे चेक होंगे यहाँ पे। उसके बाद वो फरार हो गया उसी टाइम। आप तो पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया 302 का बता रहे। अच्छा किया जी। वहीं सत्या के मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है आइए आपको सुनाते हैं। हिरासत में नहीं लिया गया, तफ्तीश जारी है, रात की बात ही, अभी पोस्टमार्टम करवाने के बाद ही तफ्तीश खुलेगी क्या बात है क्या नहीं। मामला दर्ज हो गया सर? मामला दर्ज हो गया 302-201 IPC में मुकदमा दर्ज किया गया है। बिट्टू क्या काम करता था गांव? बिट्टू मेहनत मजदूरी करता था, रैपर पर मशीन पर ड्राइवरी करता था और राजमिस्त्री का भी काम करता था। जलाला वीरान कहाँ का? जलाला गांव का, जलाला वीरान गांव का रहने वाला है। डेड बॉडी कहाँ से बरामद? डेड बॉडी नहर किनारे जो पटड़ी होती है नहर के पास, वहाँ पटड़ी पर से मिली है। आज क्या कार्रवाई की जा रही है? ये भी इसका पोस्टमार्टम करवाया गया, वाले वारसन की जाएगी और तफ्तीश में आगे परिजन कह रहे हैं कि बिट्टू की घरवाली को भी पुलिस ने रास्ते में ले लिया। इस प्रकार की बात अभी कोई हॉस्पिटल में नहीं है, हॉस्पिटल से बाद जो तफ्तीश अमल में लाई जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा किससे लिया जाएगा और किसको नहीं लिया जाएगा। 302 के तहत कार्रवाई जारी है? 302 के तहत कार्रवाई जारी है अभी।
पोस्टमार्टम क्या रही है? अभी पोस्टमार्टम डॉक्टर साहब की टीम द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर महिला और उसके प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और पकड़े गए आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है। अब देखना होगा कि आरोपियों को कब तक सजा मिल पाती है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।